राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र परासर पटना से, हमारे संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे आज जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं लल्लन सिंह, उनके बारे में। जी नमस्ते, नमस्ते, बताएं। कौशलेंद्र जी, लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, तब भी आपने काफी कवरेज की थी, तब भी हमने लाइव किया था ये, उसके साथ साथ आज हम फिर बैठे हैं लाइव के लिए, उसकी मेन वजह क्या है? आज लल्लन सिंह का पटना में जेडीयू कार्यालय में ग्रांड स्वागत किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली से लल्लन सिंह पटना पहुंचे थे जी। एयरपोर्ट से जो जेडीयू कार्यालय की दूरी है 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है जी। 3 घंटा का सफर तय करो कार्यालय पहुंचे, हजारों कार्यकर्ता के बीच उनका ग्रांड वेलकम किया गया जी। जी, तो उसमें क्या अगड़ी जाति के लोग भी शामिल थे? अगड़ी जाति में क्या खुशी का माहौल है, कुछ बताइए उसके बारे में। जिस जाति से लल्लन सिंह आते हैं उस जाति का वर्चस्व पटना के इर्द गिर्द जिला पे है, जैसे जहानाबाद है, मोकामा वगैरह है, नालंदा वगैरह है, वहां से बहुत ज्यादा संख्या में उनके जाति के लोग, उनके लखीसराय है, उनके स्वागत के लिए बहुत ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। अच्छा, अच्छा, तो के लोग थे। पूरे बिहार के कार्यकर्ता, जो जेडीयू के कार्यकर्ता जो अपने आप को कमजोर समझते थे, वो आज जेडीयू कार्यालय में पहुंचे हुए थे। कई कार्यकर्ताओं से हमने बात की जी। सभी ने कहा कि लल्लन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत होगी, बहुत ज्यादा मजबूत होगी। सौरभ, एक चीज ये बताइए, जैसे कि टीएनबी कॉलेज भागलपुर से इन्होंने स्नातक किया था, उसके बाद ये 17वीं लोकसभा में 2019 में एमपी चुने गए थे, तो जहां जिस क्षेत्र से इन्होंने स्नातक किया था वहां पर भी कुछ खुशी की लहर है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के? पूरे बिहार में खुशी की लहर है सौरभ जी। नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस पार्टी को बनाई थी जी, उसके बाद सबसे मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह साबित होने जा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का मानना था सौरभ जी। जी जी, आपको भी दिल्ली से आना था सौरभ, आपको भी साथ में दिल्ली से आना था, लेकिन आप कुछ कारणों से नहीं आ पाए जी। जी, 2 बजे जब इनकी फ्लाइट पटना में लैंड हुई, उसके बाद इनको कार्यालय पहुंचने में सौरभ करीब करीब 3 घंटा लग गया, हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम था, हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ सभी कार्यकर्ता पैदल चल रहे थे। लल्लन सिंह जिस गाड़ी में सवार थे वो किया कंपनी की गाड़ी थी, उस गाड़ी में उन्होंने किया कंपनी की गाड़ी थी। लल्लन सिंह धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, 3 घंटा का समय लगा उनको कार्यालय पहुंचने में जी। और वहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ी स्तर पे तैयारी कर रखी थी, बिहार सरकार के कई मंत्री वहां उपस्थित थे, पूरी पार्टी वहां उपस्थित थी जी। ग्रांड तरीके से उनका स्वागत किया गया सौरभ, ग्रांड तरीके से स्वागत हुआ। तो आगे उनके कुछ कार्यक्रम की जानकारी आपको मिल पाई है, किस तरह से आगे काम करेंगे जेडीयू के लिए, या और भी कुछ कार्यक्रम होंगे बिहार में, किस तरह के प्रोग्राम्स होंगे आगे? जब लल्लन सिंह का स्वागत हो गया, स्वागत के बाद लल्लन सिंह जब गर्जना शुरू किए जी, तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने बहुत ही मजबूत संदेश दिया जी, कहा कि 15 वर्षों में जो नीतीश कुमार ने काम किया है उस काम को एक एक घर तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया और अनुरोध किया। और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया, लालू यादव पर अटैक किया, जो बिहार के राजनीति में एक बहुत मजबूत धुरी माने जाते हैं जी, गरीबों के नेता माने जाते हैं, उनपे सीधा अटैक किया, उनके जंगल राज को याद दिलाया, लालू यादव के जंगल राज को। इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी लालू यादव को बिहार से खत्म करने में। इन्होंने एक एक कार्यकर्ता को बोला कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से काम करें जी। और जब भी लल्लन सिंह ने एक और बात कही कि जब भी वो पटना में मौजूद रहेंगे 12 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंच जाया करेंगे और एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे। अच्छा, अच्छा। और जेडीयू जो पहुंच गई है 45 सीटों पे जी, इस पार्टी से तोड़फोड़ करके उस पार्टी से तोड़कर सीट बढ़ाया जा रहा है,
जेडीयू की तैयारी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीट पार करें और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने का पहला ध्येय लेकर ललन सिंह चल रहे हैं। जी तो अभी बिहार में क्षेत्रीय चुनाव भी होने वाले हैं, वो कौन से चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताएं जनता अभी को? तो मुखिया का चुनाव होने वाला है, उसमें के यहाँ पार्टीगत दलगत चुनाव नहीं होते हैं सौरभ। बिहार में नहीं रहता है इसमें, नहीं दलगत चुनाव नहीं होते हैं सौरभ, दलगत चुनाव नहीं होते हैं इसमें। पार्टी और पार्टी के लिए कितना आपको लगता है अहम है, क्योंकि उस दिन जब आप बात कर रहे थे जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने थे उस दिन आपने खबर भी ब्रेक करी थी, तो आपको क्या लगता है कितना अहम है ललन सिंह का पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, और आगे जो अपोजिशन में पार्टी लोग बैठी हुई है उसके लिए क्या संदेश होगा या क्या चुनौती भरा रास्ता रहेगा ललन सिंह के लिए? सौरभ ललन सिंह जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इंक्लूड आपका उत्तर प्रदेश जी, वहां चाहेंगे सबसे पहले एनडीए अलायंस के साथ चुनाव लड़े जी और अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे ललन सिंह। अगर इनकी एनडीए से बात नहीं बन पाती है सीटों के आधार पर जी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनेक समय हुआ है जब नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड केंद्र सरकार के स्टैंड से बाहर, अभी एक सुन रहे होंगे आप जातीय जनगणना का हवा दे दिया है। जी 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 बिल्कुल, इस पे बात हो रही है। विकास पे लोग काम नहीं करना चाहते हैं सौरभ, ये जनता को जाति में उलझाना चाहते हैं सौरभ, ये बहुत बड़ी बात है सौरभ, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे उससे फायदा पार्टी को मिलेगा, क्या होगा आगे जाके यार? पार्टी को ही फायदा, इससे तो पार्टी को फायदा पहुंचेगा, जो मुझे बोलना नहीं चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे जी, लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना मतदाता जी, उनके लिए जाति महत्व देता है। पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो जाति पर ध्यान नहीं देते हैं, वो विकास को देखते हैं, सुरक्षा को देखते हैं जी। इन लोगों को पता है उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति बहुत महत्वपूर्ण है और जाति पे ही यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं जी, तो इनकी भी तैयारी उसी तरह है जनता को दिग्भ्रमित कर चुनाव लड़ने की और ज्यादा से ज्यादा सीट पाने का सौरभ। तो 2022 में जैसे कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो उसके लिए पार्टी का कुछ काम यहाँ पर स्टार्ट होगा ऐसा लगता है आपको? क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो यूपी में आ रही हैं अभी, चाहे वो छोटे दल हो चाहे। जेडीयू का पहले से आपके उत्तर प्रदेश में जनाधार है, मिर्जापुर, बनारस, अन्य जगह पे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर रहा हूँ खासतौर पर, जहाँ इस टाइम आजाद समाज पार्टी है या बाकी पार्टियां आ रही है, वहां पर क्या लगता है आपको कुछ होगा उनका? उसमें वैसा कुछ अभी पहला ही लोग का जेडीयू की तैयारी है एनडीए अलायंस से गठबंधन करने का जी, अगर नहीं होता है तो ये छोटे पार्टियों से गठबंधन करने का प्रयास करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ेंगे ये लोग सौरभ जी। बताएं तो बाकी आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर अभी काम हुआ है बिहार में या किस तरह के जो चुनौतियां बिहार की बाढ़ ने देखी है, बाढ़ की जनता ने देखी है, उसमें ललन सिंह आगे कुछ करने वाले हैं अपने तौर पर? ललन सिंह की सरकार तो 15 वर्षों से बिहार में है सौरभ, हम लोगों ने बाढ़ का रिपोर्टिंग किया था जी, तभी मैंने आपसे पूछा है। इन लोगों का नियत अगर साफ होता तो तब तक बाढ़ का विषय खत्म हो गया होता बिहार में जी जी जी। तो जनता जो त्रस्त है उसमें ललन सिंह के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे जी और जनता को जो भी देना है वो नीतीश कुमार करेंगे, पार्टी बढ़ाने के काम ही मुख्य काम ही करेंगे जी जी जी। जेडीयू के अमित शाह है, जेडीयू के अमित शाह है, ठीक कहा आपने, जेडीयू के अमित शाह है जी सौरभ जी। सौरभ कौशलेंद्र जी, फिर आपसे हम एक बार और से जुड़ लेंगे कुछ नए मुद्दों को लेकर, तब तक दर्शकों को आप बने रहिए कंट्री साइड न्यूज के साथ। और बिहार में ललन सिंह के आने से बिहार की जनता को तो कोई लाभ नहीं होगा, बट पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है, और वो क्या लाभ होगा आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आप देखते रहिए कंट्री साइड, हाजिर होंगे। नमस्कार।